Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Muntaha Sheikh. तो जनाब yes, वीडियो के टाइटल से आज आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, मुंतहा का बैग सेट करने वाले हैं. So let's start the video. जैसे कि आप देख सकते हैं मुंतहा जो है वहाँ पर सो रही है, क्योंकि मैक्सिमम भी आधा घंटा घंटा तो सोएगी. तो तब तक मैंने सोचा कि मैं ज़रा ये मेस क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने इसका बैग पैक करना था, ये साफ सुथरा किया था मैंने. आई थॉट कि मैं दोबारा फिल करी हूँ, तो लेट्स मेक अ वीडियो. सो यस, बेबी बैग्स के लिए इट्स लाइक फॉर्मली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो बच्चों को लेके, किसी के घर जा रहे हो, किसी मार्केट जा रहे हो, या कहीं भी बाहर निकले हैं आप, तो उस सर्टन बैग में, उस सर्टन बेबी बैग में आपके पास क्या क्या होना चाहिए. So yes, this video is all about that. Let's start the video. So yes, number one, सबसे important चीज़ जो आपके bag में होनी चाहिए babies के लिए वो हैं baby diapers. So maximum मैं 3 से 4 diapers रखती होती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. अगर आपके baby को diarrhea हुआ हुआ है या कहीं baby का pamper leak कर सकता है, so एहतियाती तौर पर आप 3 से 4 जो हैं वो baby के bag में pampers रखें, इसको रीफिल करते रहें. तो यस, आई पुट 3 ऑफ देम इन द बैग. बैग बिल्कुल खाली है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं. नंबर वन पे हम बैग रखेंगे, ओ डायपर्स रखेंगे, चेंजिंग शीट. ये चेंजिंग शीट इस बैग के साथ ही आई थी. बेसिकली मुंतहा का एक बड़ा बैग है, उस बड़े बैग के अंदर ये छोटा बैग था और छोटे बैग के अंदर ये चेंजिंग शीट थी. सो यस, इसको जो है वो हम फोल्ड करेंगे. उसके साथ एक चेंजिंग शीट के साथ मैं एक और चेंजिंग शीट रखती हूँ. मैं इतनी तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, आराम से बोलो. ये चेंजिंग शीट बहुत ठंडी होती है, जिसकी वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ. सो आई विल पुट दिस इन इट. ओके, ऑलवेज लाइक ऑलवेज पुट 1 एक्स्ट्रा सूट बेबी का इन योर बैग, क्योंकि वही बात होगी कि अगर लीक हो सकता है, बेबी वॉमिट कर सकता है, किसी भी वजह से उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं. सो ऑलवेज पुट 1 बेबी सूट इन योर बैग. मैं ये वाला रखूँगी, आजकल सर्दी है तो इसलिए मैं थोड़ा गर्म सूट रखूँगी. आप गर्मियों के हिसाब से रख लें, गर्मियों के वैसे भी पतले कपड़े होते हैं, तो आप 2-3 रख सकते हैं. अच्छा जी, इसके साथ साथ एक सूट के साथ मैं हमेशा 2 एक्स्ट्रा पजामाज रखती हूँ, क्योंकि मुंतहा को मैं अंदर हमेशा ना एक पजामा पहनाती होती हूँ एहतियाती तौर पर, कॉज पैम्पर लीक कर जाए तो ऊपर वाले कपड़े या किसी और के कपड़े जिसकी गोद में वो इतने ज़्यादा ना ख़राब हो. इस वजह से मैं उसको अंदर सॉफ्ट पजामास पहना देती होती हूँ. तो ये भी आप अगर रखना चाहें एक्स्ट्रा तो आप रख सकते हैं, मैं तो रखती होती हूँ एहतियाती तौर पे. सो यस, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाइप्स. मैं मुंतहा के लिए रॉकेट की वाइप्स यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इन वाइप्स से थोड़ा सा अक गई हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज. लेकिन दीज वाइप्स आर सुपर गुड. अक्की मैं इसकी सिर्फ स्मेल से हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी आउट क्लास है. ये बहुत अच्छे वाइप्स हैं, गीले रहते हैं और ट्रैवल के लिए फैंटास्टिक. ओके, सो आप अपने बेबी के लिए ना हमेशा कॉलिक ड्रॉप्स रखें, क्योंकि पेट दर्द की शिकायत और इस तरह जो है वो बेबी को कहीं भी कभी भी हो सकती है, पेट टाइट हो सकता है, तो ऑलवेज़ यूज़ कॉलिक ड्रॉप्स. उसके अलावा इसका मुंतहा को फ्लू था पिछले दिनों, और नाक इसका जो है ना बंद हो जाता है, तो मुझे ये 2 चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि मैं नेज़ल ड्रॉप्स और बल्ब सकर रखूँ, क्योंकि उसका जो ब्लॉकेज हो जाती है फिर मुझे वो ज़रा ये यूज़ करना पड़ता है. तो आई यूज दिस 2. ओके, बेबी प्रोडक्ट्स में जो उसकी फर्स्ट किट थी ना, उसके अंदर इसका पाउडर, लोशन और लाइक ऑयल वाला सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके जो बॉटल्स थी ना वो मैंने संभाल के रख ली थी. और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, लाइक इट्स लाइक अ छोटू सा साइज़ एंड यू गाइस कैन कैरी देम वेयर एवर यू वॉन्ट. ये एक पैकेट था, और इसके अंदर ना बेसिकली ये 2 बॉटल्स थी, 2 छोटी छोटी सी कंटेनर्स थे, और ये 2 बॉटल्स थी. सो ये वाले जो थे ना, जिसकी खाला ने मिनीसो से लेके दिए थे. सो इसमें मैंने क्या क्या रखा, बेसिकली पाउडर मैंने जो है वो रिफ़िल कर लिया, लोशन भी मैंने इसके अंदर बड़ी बॉटल जो थी उसके अंदर से रिफ़िल कर लिया. ये मैंने कुछ टेस्टर्स मंगवाए थे परफ्यूम्स के, उसकी बॉटल के अंदर ना मैंने मुंतहा का स्प्लैश जो है वो भर दिया. और नंबर 1, जैसे कि मैंने कहा कि ये पाउडर मैं इसी के अंदर रिफ़िल कर लेती होती हूँ, इसको उतार के डाल के बंदा बंद कर ले, आराम से रिफ़िल हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं होती.
ये भी आराम से रिफिल हो जाता है, लोशन भी, उसके अलावा ये परफ्यूम्स हो गए। अच्छा अब ये छोटे कंटेनर्स में मेरे पास क्या है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली दिस इज़ सूडो रैश क्रीम। सूडो क्रीम है, इसमें मुद्दा होगा रैशेज वो स्टार्टिंग से ही ना हो जाते होते हैं, उसको पैम्पर फ्री भी छोड़ो कुछ भी कर लो, उसको रैश का मसला रहता है। तो सूडो क्रीम जो है ना, मैं उसके ट्रैवल में ज़रूर रखती होती हूँ कि आप पैम्पर चेंज कराओ, साथ ही जो है ना वो आप सूडो क्रीम लगा दो। तो बट टू इज़ दिस, इसके अंदर है मुंतहा की बेबी जेली नेक्स्टन की। ओह इट स्मेल्स डिवाइन। दिस बेबी जेली कोको बटर वाली नेक्स्टन की मैंने इसके अंदर डाली है, और ये इतनी अच्छी स्मेल करती है ना, और इसे मैं मुंतहा के हाथ और पाँव मॉइस्चराइज कर लेती होती हूँ। So yes, this is amazing. So yes, let's put this in it. उसके अलावा जैसा कि अभी मैंने आपको मुंतहा का बताया कि उसको उसका फ्लू था, उसको थोड़ी सी ठंड लगी हुई थी, सो मैं जो है ना वो विक्स जो है वो अपने साथ कैरी करती हूँ उसके सीने पे और पीछे जो है ना वो जब चेंज करवाना हो तो बंदा एहतियाती तौर पे आप रख लें एक छोटी सी विक्स। बिब्स मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि अगर मैं बिब लगाऊँ और वो लगी रह जाती है तो बेबी के अंदर से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है एक तरह से, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। सो मैं जो है ना वो टॉवल्स यूज़ करती हूँ बेबी के लिए। दीज आर फ्रॉम क्रिब मेट्स और ये बहुत सॉफ्ट हैं बेबी स्किन के लिए, और आई जस्ट लव देम। सो इसमें से मैंने ये दो निकाले हुए थे और ये मैं इसके अंदर रख लेती होती हूँ। दिस ये है कॉटन बॉल्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप इसकी जगह कॉटन बर्ड्स भी रख सकते हैं, एनी थिंग दैट यू लाइक। सो आई जस्ट प्रेफर कॉटन बॉल्स। शहद की बॉटल, मुंतहा आजकल जो है ना वो शहद से बहुत ऑब्सेस्ड हुई है, उसको लाइक लिटिल ड्रॉप जो है ना वो मैं उसकी पेसिफायर पे लगा के दे देती हूँ तो वो चुप हो जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो आई जस्ट यूज़ दिस। सो ये मैं इसके ट्रैवल बैग में रखती हूँ ताकि हम जो है ना वो मुश्किल में ना पड़ें। सो आप घर से ही निकाल लें जो सामान के साथ आते हैं शॉपर्स, वो छोटे छोटे शॉपर्स अलग कर लें बेबी के लिए ताकि जो है ना वो आपके पास हों। ये मैं यहाँ साइड पर डाल देती हूँ और ये आगे वाली सिप जो है ना वो मैं बंद कर देती हूँ। जो है ना वो लेती है पेसीफायर, मैं एक्स्ट्रा एक पेसीफायर जो है वो मुंतहा की रखती होती हूँ क्योंकि ये बहुत काम आती है और इसका ढक्कन भी है, तो लाइक ये आराम से जो है ना वो सेफ रहती है इस बैग के अंदर। और वैसे भी ट्रैवल करते हुए आप बेबी के लिए कभी भी एक चीज़ ना रखें, मैक्सिमम दो चीज़ें रखें क्योंकि वो बैकअप के लिए जो है ना दूसरी चीज़ काम आ जाती होती है। सो यस, सो उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अगर आपको बताऊंगी क्या चीज़ें मैं कहीं जाती हूँ ना तो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये इसकी ज़रूरत क्या थी, लेकिन ना मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, मुझे है। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हुआ, स्लिप की आगे की आवाज़ जो थी ना बहुत ख़राब आ रही थी, तो आई थॉट टू डू वॉइस ओवर। तो बेसिकली इसमें जी इसमें मैं ये बता रही हूँ कि इन दो बॉटल्स में एक में मुंतहा के लिए बॉटल वॉश करने के लिए लिक्विड है और एक में उसके कपड़े वॉश करने के लिए लिक्विड है। सो मुझे बेसिकली ना लोगों से जाकर मांगना बुरा लगता है कि आप मुझे सर्फ़ दे दें, मैंने अपनी बच्ची के कपड़े धोने हैं, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट दीज बॉटल्स विद मी। और मैं इस वीडियो में यही बता रही हूँ कि इस जो मुंतहा का बॉटल वॉश करने का लिक्विड है वो एंटीबैक्टीरियल है, और सडन मैं एक चीज़ यूज़ करती हूँ जिसमें मुझे पता है कि इससे मुंतहा की बॉटल साफ़ हो जाएंगी, तो इसलिए फिर मैं यह एक्स्ट्रा लिक्विड अपने साथ रखती हूँ ताकि कहीं भी चली जाऊँ और अगर मुझे उसकी बॉटल वॉश करवानी पड़ गई है सो आई जस्ट यूज़ दिस। और कहीं अगर कोई बिब गंदी हो गई या कोई कपड़े गंदे हो गए तो मुझे लगता है कि बाद में अगर मैं धोऊंगी तो दाग नहीं निकलेंगे, सो दैट्स वाई मैं एक लिक्विड डिटर्जेंट भी रख लेती होती हूँ ताकि आराम से हूँ ताकि उसी टाइम कपड़े धो के उसका वो दाग निकाल दूँ आराम से। और फिर यस बस यही बता रही हूँ इस वीडियो में। सो यस दिस इज इट, मुंतहा का बैग जो है वो कम्प्लीट हो गया है, ये हमने यहाँ पर साइड पर रख दी है। वीडियो शुरू ना बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला और पता नहीं मैंने क्या क्या बातें बोल दी। सो यस ये मैंने बॉटल्स यहाँ पर रख दी, उसके अलावा मैंने एक सॉक्स का पेयर एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ठंड अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं मुंतहा को एक एक्स्ट्रा सॉक्स पहना देती होती हूँ। सो दिस इज़ इट, मुंतहा का दिस इज़ गो थ्रू बैग इज़ रेडी। मुंतहा अभी भी वहाँ पर पीछे सो रही है, क्यूटी लिटिल
मंचकिन। सो यस, वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, न्यू मॉमीज के लिए। पहले मुझे नहीं पता था, बेसिकली आहिस्ता 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 करके ही मुझे पता चला कि बेबी बैग के अंदर आप क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या रख सकते हैं। पहले मैं जस्ट पैम्पर्स, चेंजिंग शीट्स, कपड़े और वाइप्स वगैरह रखती थी और एक पाउडर बस। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, आई थिंक आई शुड पुट एक्स्ट्रा पजामास, आई थिंक आई शुड पुट दीज बॉटल्स, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। फिर मुझे उसके कॉलिक ड्रॉप्स की ज़रूरत महसूस हुई, विक्स की ज़रूरत महसूस हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जो है वो ये बैग बनाया। सो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपके बेबीज़ हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएंगा कि आप उनके बैग में इसके अलावा क्या चीज़ रखते हैं, या इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आप नहीं रखते और आपको लगता है कि रखनी चाहिए। सो डू कॉमेंट बिलो और मुझे ज़रूर 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 बताएंगा। सो यस, इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखेंगे, और अपने इर्द गिर्द वालों को कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। यानी कि आप अगर कोई आपका ख्याल नहीं रखता तो आप अपना ख्याल खुद रख लें, कोई मसला नहीं है। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सिद्रामी साइनिंग आउट विद मुंताज शेख।